आज हम अपने मित्रों के साथ घूमने जा रहे हैं। हम उदयपुर के उबेसर महादेव मंदिर की तरफ घूमने जा रहे हैं, जो कि पहाड़ियों में बहुत ही हरियाली वाला और घने पहाड़ियों के बीच में जंगल वाली जगह है। हम अपने मित्रों के साथ आज रविवार का आनंद लेने जा रहे हैं, साथ ही में वहाँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करेंगे, हाँ ओगेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और वहाँ की हरियाली और उदयपुर की वादियों के नज़ारे देखने और एंजॉय करने जा रहे हैं। हम हमारे मित्र और सहपाठी हॉस्टल से हम एक ही साथ सुबह के 12 बजे के समथिंग हम निकले हैं। हम कुल 5 मित्र हैं। वहाँ पर बहुत ही घना जंगल देखने को मिला और साथ ही हम जाने के बाद में वहाँ पर बारिश आई, तो एक बार तो हमें बारिश ने डरा ही दिया क्योंकि रोड इतना खराब हो गया था। बारिश की वजह से रोड पर पत्थर आ गए थे जिनको हमने अपने आप हटाना पड़ा और 2-4 गाड़ी लेके और भी आए थे, उन्होंने भी हटवाए वो पत्थर और रास्ता साफ कर हम आगे निकले। घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही आनंददायक जगह है। यह जंगल बहुत बड़ा जंगल है और यह है उदयपुर की वादियाँ और उदयपुर का नज़ारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही हरियाली के साथ। बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पर बारिश के टाइम में। यह इलाका एक आदिवासी इलाका है जो कि आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर खेती भी होती है जो कि मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है। पहाड़ी वाला इलाका है, बारिश बहुत ज्यादा ही होती है यहाँ पर। रोड ऐसी जगह बनाया हुआ है कि बहुत ही ऊंचा, बहुत ही ज्यादा विकट मोड़ है इस रोड पर। अभी रोड बहुत ही अच्छा रोड बना है, न्यू रोड बना हुआ है, बट साइड से बारिश की वजह से ज्यादा ही टूट रहा है और बारिश की वजह से पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिर के रोड पर आ जाते हैं, तो व्हीकल को निकालने में बहुत कठिनाई होती है। कभी इसी रास्ते पर रात को नहीं जाना चाहिए, रात वो अनजान लोगों के जाने के लिए सेफ रास्ता नहीं है। साथ ही में जैसे ही बारिश आई और हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई, फिर हमने अपनी गाड़ी में रखी स्टेटमेंट को निकाला और टायर चेंज किया। जब तक बारिश रही, जब तक हम कार में बैठे रहे, कुछ नाश्ता पानी करते रहे, बारिश बंद होने के बाद में हमने इसी जगह अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया और हम आगे निकल पड़े। लोग यहाँ पर भेड़ बकरिया गाय भैंस को चराते हुए मिले, साथ ही कुछ लोग यहाँ पर कृषि कार्य में व्यस्त थे, कुछ लोग नदी में कपड़े धोने आए हुए थे। यहाँ पर काफी सारे खजूर के पेड़ भी हैं। यहाँ पर लोग खेतों के लिए मेड़ जो लगाते हैं वो पत्थर हो की बना देते हैं, परमानेंट मेड़ बना देते हैं,
ये अभी इस टाइम इस खेतों में मक्का बोया हुआ है, जो कि अभी भी लगाई हुआ है। ये एक ऐसी जगह है वैष्णो देवी मंदिर की, उसके पास में जैसे लगता है हम शिमला की वादियों में आते हैं, और बारिश के मौसम में बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है, बहुत ही शानदार। कभी आपको भी टाइम मिले तो बारिश के मौसम में जरूर जाना। ये उदयपुर से मात्र 12-13 किलोमीटर दूर पर स्थित है।